अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने एक ही दिन में परीक्षा लेकर उसी दिन उसका फाइनल परिणाम भी घोषित कर दिया और सुबह को जो युवा बेरोजगार बनकर परीक्षा में बैठे थे शाम ढलते ही वो सरकारी कर्मचारी बन गए और ये सब संभव हो सका है। बिहार के लाल जो अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के सचिव और परीक्षा नियंत्रक हैं उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत समस्तीपुर के रहने वाले आईएएस संतोष कुमार को प्रदेश के स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की जिम्मेदारी तब सौंपी गई जब फरवरी 2020 में एलडीसी की परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी और सरकार की जमकर किरकिरी हुई। लेकिन जब से संतोष कुमार ने जिम्मेदारी संभाली तब से हर एक परीक्षा में बगैर कोई विवाद के अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड कुछ ना कुछ नया कीर्तिमान ही बना रहा है। वहीं ट्रांसपेरेंसी के मामले में भी अरुणाचल का ये कर्मचारी चयन बोर्ड है देश में नंबर वन। ये सिर्फ एग्जाम जो होता है वो एग्जाम की तरह इसको नहीं देखना चाहिए बल्कि एग्जाम में जो अपीयर होते हैं हजारों लाखों एस्पिरेंट्स जो यूथ होते हैं किसी भी स्टेट के अपीयर होते हैं तो ये किसी भी यूथ का हजारों यूथ का वहाँ के सिस्टम के बारे में रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में ट्रस्ट का सवाल होता है और इस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए हमारी पूरी की पूरी जो टीम है यहाँ पे APSSB में अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में उसी पे हम फोकस करते हैं कि एट एनी कॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स इन द सिस्टम शुड नॉट बी शेकन शुड नॉट बी ब्रोकन। और इसके वजह से हम जब भी एग्जाम कराते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि एग्जाम कंडक्ट करने के 48 आवर्स के अंदर मैक्सिमम उसको हम रिजल्ट दे सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है जैसे टिम्स के एग्जाम में कि हमने एग्जाम के 14 घंटे के अंदर रिजल्ट दिया, IPR एग्जाम ने हमारा जो हमारी टीम है उसने 9 घंटे के अंदर रिजल्ट दे दिया और जब LDC का एग्जाम हमने मार्च में लिया था उसमें पूरी की पूरी टीम 38 आवर नॉन स्टॉप उन्होंने काम किया और उसके बाद रिजल्ट पब्लिश कर दिया। साथ ही हमारी ये भी कोशिश होती है कि पूरा का पूरा जो एग्जाम साइकिल होता है राइट फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट टू द फाइनल रिजल्ट वो भी मिनिमम टाइम में हो। और हमने जब UDC का एग्जाम लिया था जून के महीने में तो उसका जो पूरा का पूरा एग्जाम साइकिल है हमने 100 डेज में कंप्लीट करके दिखाया।